ठीक है, एक्स कैपिटल एक्स, ठीक है, इट इज नथिंग बट अ नेम ऑफ अ पर्सन. सपोज एक्स इज ट्वाइस, एक्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज, एक्स इज ट्वाइस एज ओल्ड एज वाई. ठीक है, तो ये एक्स और वाई क्या है? सपोज नेम ऑफ अ पर्सन. हाँ, और ऐसे भी दिया है, थ्री इयर्स अगो. ठीक है, और कॉमा करके क्या दिया है? कॉमा यहां पर कॉमा करके दिया है when x was as old as y today. Full stop. If the difference between their ages at present is three year, comma, how old is X at present? How old? So this is the question. अच्छा, मुझे क्या दिया है? मुझे दिया है x is twice as old as y. ठीक है, यहाँ पर कोई x है कोई y है. x क्या है? y से दुगना है, twice है, लेकिन कब है? 3 years ago. और 3 years ago यही कंडीशन भी है कि when x was as old as y today. ये today का मतलब क्या है? Present. अगर आप you will solve that question ना, करण एंड पूर्णेंदु, वहां पर भी today तो नहीं, वहां पर now दिया है, now. तो वो now वाली कंडीशन समझनी जरूरी है. तो when x was as old as y today, ये y, ये क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको भी समझाता हूँ. अब यहाँ देखो, if the difference between their ages at present, देखो ये present वाली situation दी है यार, इसका मतलब क्या है? अरे देखो ना, solution देखो, आपको at present क्या दिया है? आपको present वाली situation जो दी है, पहले वो लिखो, difference of their ages, अगर आप x की एज में से y की एज माइनस करोगे, you will get 3. समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? और अगर आप लेट, अगर आप x की एज लेते हो, लेट x इज इक्वल टू a इयर्स, a या कुछ भी ले लो आप, स्मॉल x भी ले सकते हो यार, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल x है. तो y कितना हो जाएगा? कैपिटल y विल बी x माइनस 3. यहां से देखो, कैपिटल y विल बी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि x और y की एज दो अलग अलग वेरिएबल्स में आए. अगर मैंने कैपिटल x की एज a ली है, तो y की भी एज इन टर्म्स ऑफ a आ जाए. दिस व्हाट आई वांट, ओके, बिकॉज द कंडीशन इज गिवन टू मी ना. कंडीशन क्या दी है? दोनों एज का डिफरेंस 3 है ना. जैसे इस तरीके से मैंने आपको बताया था, सपोज अगर दो एज, किसी दो इंसान की एज का सम अगर 100 ईयर्स है और एक अगर 30 ईयर्स का है, तो दूसरा कितने का होगा? दूसरा कितना होगा? आप क्या करोगे? 100 माइनस 30. उसी केस में जब दोनों की एज का डिफरेंस आपको दिया है, तो अगर आप एज की, एक की एज, एक्स की एज अगर आप ए ईयर्स मानते हो, तो वाई की एज कितनी आ जाएगी? वाई की एज यहाँ से आ जाएगी एक्स माइनस 3, और वाई विल बी नथिंग बट, वाई की एज कितनी आ जाएगी? एक्स तो ए है, ए माइनस 3 हो जाएगी, ए माइनस 3 ईयर्स. तो ये इसकी प्रेजेंट एज है, ठीक है, ये एक्स की प्रेजेंट एज है. एक्स की प्रेजेंट एज कितनी है? ए ईयर्स. और वाई की प्रेजेंट एज कितनी है? ए माइनस 3 ईयर्स. इज दिस इज क्लियर? दिस मच इज क्लियर? चलो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, देख लो. ठीक है, तो ये आपको समझना है दैट जो ये जो लाइन आपको, जो ये थर्ड लाइन दी है ना, इसको हमने पहले लिखना है, क्योंकि ये प्रेजेंट वाली कंडीशन दे रही है. हमेशा प्रेजेंट वाली कंडीशन लो. अब अगर अब आप अभी दोनों इसकी प्रेजेंटेज आ गई एक्स और वाई की, अगर अब आप देखोगे 3 years ago, तो 3 years ago देखो अब आप. ठीक है, अब आप 3 years ago की कंडीशन निकालो. 3 years ago, अच्छा, व्हाट विल बी द एज ऑफ एक्स 3 years ago? एक्स की एज ऑलरेडी ए ईयर्स है, सो 3 years ago विल बी ए माइनस थ्री ईयर्स. एंड व्हाट विल बी वाई 3 years ago? वाई इज ऑलरेडी ए माइनस थ्री उसकी प्रेजेंट एज है,
सो व्हाट विल बी वाई, वाई विल बी ए माइनस थ्री माइनस थ्री, अरे ए माइनस थ्री में से माइनस थ्री करोगे, सो वाई विल बी ए माइनस सिक्स ईयर्स। और ये जो कंडीशन है ना, एक्स वॉज एज ओल्ड एज, अच्छा थ्री ईयर्स अगो, यहां देख लो मैं यहां पर बता रहा हूं आपको, ये थ्री ईयर्स अगो की कंडीशन है, थ्री ईयर्स अगो। अच्छा थ्री ईयर्स अगो एक्स कितना है, थ्री ईयर्स अगो एक्स है ए माइनस थ्री, वॉज एज ओल्ड एज इज इक्वल टू वाई टूडे। वाई टूडे का मतलब क्या है, वाई टूडे का मतलब है वाई एट प्रेजेंट। व्हाट इज द एज, एज ऑफ वाई एट प्रेजेंट, इसको मैं वाई टूडे कर लेता हूं, ये वाई टूडे है, ये एक्स टूडे है, टूडे मतलब प्रेजेंट, ये प्रेजेंट सिचुएशन दे रखी है आपको। तो व्हाट इज वाई टूडे, वाई टूडे इज ए माइनस थ्री ओनली, सो ए माइनस थ्री इज इक्वल टू ए माइनस थ्री, ये है इसका मतलब। When x was as old as y today, x x क्या है, x कौन सा ये x है 3 years ago वाला, it is as old as y today, तो x तो 3 years ago वाला a minus 3 है और y today वाला कितना है a minus 3, तो वो condition दी थी इसने आपको 3 years ago वाली, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है आपको, आपने आपने लेकिन वो logic समझना है यहाँ पर। क्या वो logic समझ में आया, अब तो ये question बहुत आसान हो गया। अब question क्या हो गया, ये जो थ्री इयर्स अगो वाली कंडीशन लगा लेते हैं, ये जो पहली लाइन है, दिस फर्स्ट लाइन, ये जो फर्स्ट लाइन वाली कंडीशन आएगी, x इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज, x इज इक्वल टू ट्वाइस एज ओल्ड एज y, ये जो कंडीशन है ना, ये थ्री इयर्स अगो वाली कंडीशन है, सो थ्री इयर्स अगो वाली वैल्यूज है, और ये वैल्यूज रख दो यहां पर, x कितना है a माइनस थ्री इज इक्वल टू ट्वाइस, y कितना है a माइनस सिक्स, जस्ट सॉल्व यू विल गेट a। How old is x? x x की एज कितनी ली है हमने a, you will solve this ना, you will get a, so a minus 3 will be is equal to twice a minus 12, and यहां से this will be 2a minus a is equal to 12 minus 3, so a will be is equal to 9 years। a का मतलब क्या है, a का मतलब क्या है, the age of x, the age of x will be 9 years, therefore x will be equal to 9 years। ठीक है, लर्निंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको ये सवाल नहीं आया doesn't matter बेटा, यू शुड लर्न ऑन द डेली बेसिस ना, कुछ सीखने को मिले अगर हर एक लेक्चर में, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सीख सीख के तो हम लोग एक्सपर्ट बनते हैं क्वेश्चन में।